हेलो पीपल, क्या हाल चाल लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी लोगों के व्हाट्सअप आ चुके हैं वापस है वो एक नया वीडियो लेके रैंड सिमुलेटर का एक और नया धांसू ताबड़तोड़ एपिसोड हम लोग खेलने जा रहे हैं फिर से आज रैंड सिमुलेटर। आज गाइस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली क्योंकि आज हम खरीदने वाले हैं एक गाड़ी और गाड़ी नहीं उसमें खरीदने वाले एक ऑयल टैंकर और मैं तुमको बताऊंगा हम वो ऑयल टैंकर क्यों ले रहे हैं। उसके बाद फाइनली आज हम लोग बनाएंगे एक मुर्गी का एक बड़ा फार्म क्योंकि मुझे लगता है छोटा फार्म से यार काम नहीं बन रहा। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें करने वाले, मेन चीज आज है हमारे वीडियो की बहुत सारी शॉपिंग, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का सामान ताकि हम कल की वीडियो में बहुत अच्छा सा कंस्ट्रक्शन कर पाए। वीडियो गाइस पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल बटन को जितनी जोर से दबा सको दबा दो, बस दबा ही नहीं रहे गाइस तुम लोग, दबाओ यार दबाओ बटन दबाओ गाइस, मचा दो एकदम भाई, डेडली मोंगो थोड़ा फैलाओ आग की तरह। सो चलते हैं डायरेक्ट सीधे वीडियो के अंदर और देखते हैं आज की वीडियो में क्या स्पेशल है तुम सबके लिए, तो लेट्स गो इन द वीडियो। चलो चलते हैं आज कुछ एक्सप्लोर करके आएंगे। रोशनी से ज्यादा है, हमने जो प्लांट लगाए थे तो मर गए होंगे अब तक। नहीं, मैंने लगाते पानी लाके देना ही नहीं। मर गए ना? अरे मर गए, खत्म हो गए, कुछ है ही नहीं। तुमने तो गाड़ दिया हमको पानी भी। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है अब गाइस, एक वाटर टैंक हमें बनाना है, हम यहाँ बना देंगे वाटर टैंक, लेकिन वाटर टैंक का सीन क्या होगा यहाँ? अरे एक्सप्लोर तो आप करेंगे पर थोड़ा इंतजाम तो कर लें, पूरा सीन पानी यहाँ पे। देखो हमारे पास ये सब तो है, चलो ये हो गया डोर, ठीक है यहाँ पे हमारे पास फार्म हाउसेस हो गए हैं, यहाँ पे हो गया है हमारे पास। मैं तो कहाँ कुछ करता हूँ कभी, ये वाटर टैंक है क्या? अरे सुने कुआ भी तो है ना, उसमें कुएं में से तो पानी निकाल सकते हैं, इसमें से वाटर टैंक कौन सा है? वाटर टैंक नहीं है क्या इसमें? ये वाटर टैंक है क्या? देखना ये वाला पेज मेरी स्क्रीन पे देखो, ये कुछ और ही है मुझे लग रहा है। नहीं, वेल तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, देखो कुआ है वहाँ पे। हाँ वही चालू कैसे करना है? नहीं, वाटर टैंक तो नहीं है। टैंक होता है पानी के लिए, लेकिन उसका कुछ और सीन देखता हूँ। अभी कुआ तो खाली है, हट गया है कुआ, कुआ करना पड़ेगा। कुआ कहाँ बनाया बताओ मुझे, इधर घर के बाजू में बनाया कहीं और बनाया? अरे हम दो इसलिए तो खेल रहे हैं ताकि एक बंदा एक काम कर ले दूसरा बंदा दूसरा। अरे गेट भी तो नहीं खुल रहा ना, तो इनकी पॉटी ऐसे थोड़ा साफ होगी, उसके लिए एक सामान चाहिए होता है, उसके लिए एक वो चीज चाहिए होती है। वो हाथ से ही साफ हो रही है वो, पर कि गेट पर वो जो भाग जाते हैं ना वो। सुनो मेरी बात सुनो, दो मिनट, मैंने वीडियो में देखा था ये रहना नहीं, देखो वो तो रही थी। नहीं हो रही है फिर क्या? अगर तुम उस चीज में कलेक्ट करोगे ना उसको तो फर्टिलाइजर बन जाएगा वो। तो ये भाग से इंडिया से ठीक है, अरे मैं खड़ा तो हूँ, अरे पानी लगेगा मुझे बताओ यार, मैं काम करूँ क्या? मुझे एक आइडिया आ रहा है सुनो, बहुत जबरदस्त। ये मुर्गियों का टेंशन हो रहा है ना बार बार सीन पानी बाहर भागने का। फेंस लगा देंगे। हाँ यहाँ पे एक फेंस लगा रहा हूँ, अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होगा? अच्छा ऐसे होगा। अरे गैप आ गया क्या? अरे गैप आ गया, मुझे थोड़ा सा तुम्हें दिख रहा है क्या अगर मैं इसको लगाता हूँ? तुम्हें ब्लूप्रिंट दिखता है ये तो नहीं दिख रहा है। लगाते टाइम? अरे तुमने इसको बना दिया क्या ऑलरेडी? अभी नहीं बना रहा था, चलो खैर बना दिया तो कोई बात। ये देखो ब्लूप्रिंट दिख रहा है अभी मैं लगा रहा हूँ, तो अब पता क्या चलेगा सीधा है कि नहीं। सीधा है ना ये? हाँ बीच में गेट, हम गेट लगा सकते हैं ना? हाँ बीच में गेट, गेट लगा रहा हूँ बीच में। आप इंसर्ट करो या नहीं करो? कर दो। बहुत जोर से तूफान आ रहा है ट्रिटी। आई नो आई नो। एक दो, आई होप के सीधे ही लगा रहा हूँ मैं। हाँ सीधे ही लगा रहे, सीधे लगा रहा हूँ। चलो अब ये मुर्गियों वाला टेंशन तो खत्म। अब गाइस मुर्गियां मुर्गियां का चाय है। अच्छा हो रहा है,
भी लकड़ी चाहिए और लकड़ी चाहिए जो ये है नहीं, ये क्या है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, फिर कौन ये वाला हटाओ लगा सा वाला हटाओ। थोड़ा एक टेढ़ा लगा दो ना अच्छा रुको, मुझे समझ गया एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक गेट लगाया हुआ है ना, इसलिए तो यहाँ पे भी गेट लगाना पड़ेगा जहाँ वहाँ गेट लगाया है। नहीं, दो के बीच में तो गेट है देखो तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे फिर ये दो? अच्छा ये वाला टेढ़ा हाँ है। यहाँ एक गेट लगा दो तो, अरे यार मैंने जबरदस्ती तोड़ दिया, मतलब ये वाला पहले यहाँ से लगाओ एक मिनट रुकना यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, वेट अ मिनट, मेरे को ये पेड़ काटने दो। ये पेड़ के कारण ना मुझे विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी उस चीज़ की। गेट लगेगा एक लकड़ी के बाद, गेट लगेगा ना, एक बैक डोर लगाते हैं गाइस, यहाँ से लगेगा हमारा। ये थी प्रॉब्लम, हाँ आई गेस द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। यहाँ पे किसने काटा नहीं यार अभी भी सीन हो रहा है, ये ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन यार बराबर इक्वल होना चाहिए था ना, नहीं अभी भी कॉल नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा मुझे, इक्वल क्यों नहीं आ रहा है? लगाने की ट्राई कर नहीं वाला पेड़ पे लगाना पड़ेगा क्या नहीं हटाना नहीं, कौन ये टेढ़ा लग गया है डेडली सा टेढ़ा लग गया बताओ? ये लास्ट हो रहा है एक दो तीन चार पाँच छ, तब भी नहीं होगा ये। एक दो तीन चार पाँच छः, बहुत ही अलग सीन हो गया है, कुछ क्या गड़बड़ की है मैंने। चलो यार छोड़ो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, क्या ही कर सकते हैं। 2,000 years later. ये पेज हमने मिस कैसे कर दिया यार, एकदम पहले ही बना लेते हैं यार, 30 मुर्गियाँ आ गई। फिर ये चीज़ें आ गई ना, मुझे लग रहा है मेरा सीन ही शॉर्ट हो जाएगा। इस पे कितना रहेगा? Black 100 metal 52। ये मेटल कितना था बाय द वे? 11 था। इसका डायमंड ये बनाएगा, इसी में ज़्यादा बेटर। जितनी लकड़ियाँ फिलहाल हम यूज़ करते हैं, फिर पैसे लेके और बनाएंगे। कि मैं चाहता हूँ यार कि हम सब चीज़ें ना ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाए ना, कि हम बड़ा सा मुर्गी फार्म चालू करें पहले, क्योंकि देखो चिकन के बिजनेस में जितना पैसा है ना भाई, सॉर्टेड जाएगा ऐसे। तो यहाँ बना लेते हैं, दो सीन कर लेते हैं चिकन, यहाँ भी और मुर्गियाँ छोड़ देंगे, ये दो रह जाएंगे ना। अच्छा मुझे देखना था कि हमारे पास मेटल स्लैब्स और हैं, एक और है शायद हमारे पास, बस हमें लगेगी फिर गुड। भाई रात एकदम खनखोर हो गई है, मेटल सही है हमारे पास, सीमेंट पड़ा है, सब चीज़ें पड़ी हैं, बट आई गेस वी डोंट हैव द मेटल। तो मैं फटाफट शायद जाऊँ और मेटल लेके आऊँ क्या? या तो मैं काम करता हूँ, गाड़ी लेके जाता हूँ, सर लकड़ियाँ लोड करके लेके आता हूँ, और रात को थोड़ा चोरी चोरी से लकड़ियाँ काट लेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इतनी लकड़ियाँ थोड़ी रहे यार आस पास हमारे पास। अच्छा अच्छा मुझे एक चीज़ और देखनी थी कि जो हमारा फार्म है एक्चुअली में किधर तक है यहाँ। अच्छा ये भी हमारा एरिया में, देखो जहाँ तक ये माय गॉड हमारा काफ़ी एरिया है ब्रो, पीछे तक का पूरा एरिया हमारा, ये देखो यहाँ पे जो गड्ढे है ना, ये सब कुछ हमारा एरिया है भाई, जहाँ तक हमारा एरिया मार्क कर देता हूँ। फिर इतना पूरा ये भी हमारा है, अलग ही लॉजिक है भाई इन खेतों का, जो जमीन है ना इनका बहुत अलग लॉजिक लग रहा है। ये हमारे नहीं है मगर ये फिर हमारे, अब ये हमारे नहीं है, ये यहाँ से हमारे। अभी 2,000 years later. तक फटाफट से लकड़ी इतनी ग्राइंड कर लिए हैं, हमारे पास इतनी गुड्स हो चुकी हैं फिलहाल, और एक स्टैक हमने उधर भी रख लिया। गाड़ी फटाफट से वहाँ लेके जाते हैं, वाला बार हमको बनाने के लिए बहुत ज्यादा ग्राइंड करना है, जो कि सून वी विल डू इट, नो प्रॉब्लम। बस यहाँ पे इतनी सब जगह हम अपने एरियाज बना सकते हैं, मजा आने वाला है, काफी मजा आने वाला है, तुम बने रहोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। और क्या इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम यहाँ से अपनी गाड़ी लेके जल्दी से निकलते हैं। मैं बता क्या सोच रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ना पैसा कमाते हैं, आज मेकिंग छोड़ के पैसा कमाते हैं, दी चलते हैं इसको गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ खरीद लेंगे, बड़ी गाड़ी ले आएंगे, क्या प्रॉब्लम हो रही है छोटी गाड़ी में? मुझे ऐसा चाहिए ना गाड़ी के, फटाफट से एक ही ट्रैक में सामान रखते जाए, काफ़ी आ रहा है वैसे तो सामान है। यहाँ पे भी आ गया, सॉर्टेड, गाड़ी तो अच्छी आ रही है, आ रही है। एक कोई अच्छा सा ट्रेलर ले लेते हैं हम तो। यार क्या लगता है इस लकड़ी में से कितना वो बन जाएगा हमारा? चलो यार इतनी तो रख के आते ही हैं, चलो इतनी हम रख के आते हैं वहाँ, उसके बाद थोड़ा ग्राइंड करेंगे सामान बेच के, फिर एक मिनट सुनो गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ बोलो। अब हमें यहाँ पे ऐसा हम काम करते हैं, पहले इन लकड़ियों को पहले यहाँ पे उतार देते हैं। उतारना क्या है भाई? अच्छा कुछ तो मिस कर रहे थे हम, ये मिस कर रहे थे ब्रो, मैं सोच रहा उसको काट ही देते ना सीधा, उतारने का सीन ही खत्म हो जाएगा। ये करके ना इस गाड़ी को बेच देते हैं और हम कुछ गाड़ी खरीद के ला, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस कार, मेरे पास धीमे नहीं चल रहे हैं। तो ये वाला बार्न भी बनाना है, तो बन जाएगा पाइल ऑफ स्टैग, और लकड़ी स्टैग भी हमने अच्छे कर लिए ना, तो भी मज़ा ही आ जाने वाला है गाइस। मुझे लग रहा है स्टैग्स नहीं, स्टैग्स बन के तो नहीं आएंगे, नीचे गिरता जाएगा यार। एक ही चीज़ मैं सोच रहा हूँ, बड़ी चीज़ बनाएंगे ना, जैसे वो हमने एक गेस्ट हाउस बना लिया,
फिर वहाँ खुद का स्टे बना लेंगे, तो आराम से सीन सेट हो जाएगा, बारिश आ गई है वहाँ बगैर, बहुत कुछ बना सकते हैं यार इसके अंदर। लेकिन पिक्स विक्स के लिए मैं डायरेक्ट ही वो ना करके ना सीधा बाहर नहीं बनाऊंगा। इसमें थंडर स्टॉम बहुत सही लगता है यार, जब थंडर स्टॉम आता है ना इट विल बी लाइक फन, क्योंकि हम सोच रहे ना लग रहे हैं नहीं हमारे पास इतनी आ सकती है एक बार में। कितनी चाहिए अभी, बहुत बहुत चाहिए यहाँ पे, मुझे लग रहा है वो तो इतनी ऐसी खत्म हो जाएंगी। अच्छा अब हमको ना इनको बेच के भी आना है, जो कूलर में सामान पड़ा है इनको बेच के भी कुछ पैसे हमें मिल ही जाएंगे, तो फटाफट कर लेते हैं जब तक हमारी वाइफ गई हुई है बाहर। फूड को भी यहीं भटकते जाते हैं, एक बार बड़ी वाली मशीन में एक बार फिलहाल देख के आ जाएंगे हम लोग की क्या रहता है बड़ी वाली मशीन का सीन। देखो हमारे पास चिकन काफी है, हमारे पास अंडे काफी है, अंडे और चिकन तो हम ले जाते हैं, अभी 40 अंडे आ जाएंगे एक बास्केट में, एक फटाफट सा एग देखते हैं कितने। मर क्यों गए? शिट यार हमारी मुर्गियां फिर मर गई है, पता नहीं क्यों मर रही है मुर्गियां, समझ नहीं आ रहा। खाना खत्म हो गया है क्या? ओह शिट गाइस, फूड खत्म, फूड का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना ही पड़ेगा। अरे खा गया, फटाफट से फूड दे, मैं सोच भी रहा था एक बड़ा बोल बनाऊं, बट तो खा लेगी ये भी खा लेगी। अब वो तो ठीक है, अंडे कहाँ गए? अच्छा ये है अंडे, ओके अंडे यहाँ दे रही है। एक कप वो हमें चिलर में डालना है, मीट तो काफी हो गया गाइस, 1/24 मीट हो गए हमारे पास। अब यहाँ से हमको इनको भी उठाना है फिलहाल, अरे चूजे भी मर ही गए यार गाइस, ये ध्यान नहीं रहता ना हमको तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पानी भी नहीं, इसके और मर रहे हैं। शिट बड़े पानी कहाँ से भरूँ? यार रुको यार, पहले तो एक चीज़ बनानी पड़ेगी हमको, एकदम पीछे यहाँ बनाते हैं, पता है क्या बनाना पड़ेगा, एक कुआ, ये बची हुई मुर्गियाँ तो ऐसे ही मर जाएंगी। कितना वुड प्लैंक 6, कंक्रीट 20, फट से ये बनाना है क्योंकि इसी के तहत हम चल पाई है। कंक्रीट है हमारे पास, कंक्रीट बीच है, कंक्रीट का पैकेट पड़ा हुआ है हमारे पास, फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी गाइस। पानी की समस्या तो बहुत है भाई, फिर तो पानी भरना पड़ेगा। ये है कंक्रीट का बैग यार, ये सब सामान को भी खरीद के लाते हैं, पहले थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं और फिर खरीद के लाते हैं, अगर 100 के अभी आ गए तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। 6 होंगे, बन गया भाई। अच्छा मुझे लग रहा है मैं हाथ में पहले बकेट चाहिए, बकेट हमने यहीं कहीं रखी थी, सड़क पे तो किधर, मुझे लग रहा है यार मुर्गियां मर जाएंगी सारी, कुछ नहीं कर सकते अब। पकेट, पकेट, एक पॉकेट पानी मिल गया, जितनों को बचा सकते हैं उतनों को तो बचाएं फिलहाल। पर चेक कैसे करेंगे, मुझे सिर्फ इतना देखना है यार कि इनको चेक कैसे किया जाएगा यार, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत ही बात होगी अगर ये मुर्गियां हमारी मर जाएंगी। काफी मर गई होंगी यार, मुझे लग रहा है सारी मर गई, सारी ही मर चुकी है, ऑल एडिट, नीचे घुसना पड़ा, एक भी नहीं बची भाई, सब मर गए हैं। और ये तो बहुत ही ज्यादा सीन हो गया यार, आई नेवर वांटेड दैट बट इट्स ओके, एटलीस्ट हमें इनसे पैसा मिल जाएगा, अभी मुर्गियाँ बेच देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचा था उन्होंने कुछ और था इनका करने का, बट अभी अनफॉर्चुनेटली स्किन स्किन भाई सारी मर गई है, हमें ये बेच के पहले तो मुर्गियाँ लानी पड़ेंगी। गाइस क्या करें इनके पानी का सीन, गाइस मुझे क्या लग रहा है भाई, अब मैं ना सॉर्टेड सीन बनाने वाला हूँ। नहीं यार अब मैं जब तक, मैं पता क्या सोच रहा हूँ गाइस, अब हम ना पहले के भड़ाई घर बनाते हैं मुर्गियों का यार, फिट यार गाइस। अच्छा हम इसमें डाल देते ना, एक ही बैग में डाल देते हैं सारा, इसे भेज देंगे, अभी काफ़ी आ रहे हैं भाई इसमें तो, आई थिंक तो सब कुछ आ रहा है ना। ओके तो अभी हम ये गाड़ी में रखते हैं और फटाफट से सोते हैं, पहले सुबह चलेंगे आराम से। गाइस देखो इस बार हम ना सामान बहुत लेके आने वाले हैं, पहले घर पे जाके सो जाते हैं हम, और सोने के बाद हम सुबह उठेंगे और फटाफट से उठने के बाद एक लेके आ जाएंगे घर की तरफ, ताबड़तोड़ चलते हैं अंदर बैठने के लिए और फट से सोते हैं। ना बिजली बिजली का बिल भी नहीं आता क्या? अबे ये क्या रखा है इसके अंदर, अनलिमिटेड पानी है क्या भाई? चालू करके देखते हैं रुको 1 मिनट, अभी कुआ वो आ जाएगा ना तो सही सीन रहेगा, रुको पहले सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस हम सो गए और यह है हमारा day 10। इस रेंज के अंदर हमने बहुत कुछ ग्राइंड करके बहुत सारा पैसा कमा लिया है, हमारे पास अराउंड 5-7 हज़ार रुपये हो गए होंगे। अब उन 5-7 हज़ार से हम बहुत कुछ करेंगे गाइस, और
एकदम फुल पावर में सामान वामान लेके आ जाएंगे। हम एक गाड़ी भी खरीद सकते हैं वैसे गाइस, हमने इतने पैसे तो कमा लिए हैं आज, हम गाड़ी भी खरीद लगते हैं। और इस बहाने हमें, और हमने काफ़ी कुछ अभी अभी चिकन और दो तीन हिरण मारे, उनको तो भी हम थोड़ा बेच बाज के आते हैं, और कुछ नई नवेली गाड़ियां लेके आते हैं ताकि थोड़ा और मज़ा आना चाहिए, थोड़ा और थोड़ी सी पावर मिलनी चाहिए। और गाड़ी लेने जा ही रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस चीज़ के अंदर भी हम थोड़ा फ्यूल भर के ही ले आते हैं, विच विल बी मोर बेटर। गाइस सुनो, मुझे एक आइडिया आ रहा है, पहले तो उसको इंसर्ट कर, पहले हम चलते हैं सीधा गाड़ी लेने, आज हमें एक गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं कार शॉप, ये रही हमारी कार शॉप, और ताकि हम अपनी वाइफ को देंगे ब्यूटीफुल सा सरप्राइज जब वो आ जाएगी अपने घर से वापस। भाई साहब घुस गई, भाई साहब गाड़ी घुस गई। कोई नहीं, आप थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, पायलटिंग फुल पायलट बनते हो यहाँ पे। भाई एक अच्छी गाड़ी लेंगे भाई, जो हमारे काम की है, क्योंकि हमको ना कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिससे हम अब थोड़ी फसल वसल भी ग्रो कर पाए, क्योंकि अब हम सोच रहे थोड़ा क्रॉप व्रॉप बेचने के लिए और थोड़ा सा सामान। ये रही भाई कार शॉप, कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा ताऊ। मैं सोच रहा ट्रक ले लेंगे हम, अगर एक ट्रक ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। पहले चूज करते हैं गाड़ियाँ हैं कौन सी। भाई 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 पहले ये वाली चाहिए भाई मुझे तो। और राइट, तो हम पहले अपने पास गाड़ियाँ देखते रहे, ये तो हमें नहीं चाहिए, हम इसको तो हम सेल कर देंगे, तो हमारे पास पहले से ही है। और राइट, गाड़ियाँ इनके पास कौन कौन सी, एक इनके पास ये है, इसकी कैपेसिटी ये है, वो ठीक है। पिकअप ये हो गई एक, ये इसको पूरा देख सकते हैं कैसे दिखेगी है। ये है सुनो, ट्रक ले लें क्या, इसकी कैपेसिटी कुछ नहीं थी। गाड़ी है क्या, SUV चलाने के लिए सिर्फ। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है 1200 का, ओके ट्रैक्टर तो हमें चाहिए था। हार्वेस्टर 2000 का, UTV पिकअप ये। यार मैं क्या सोच रहा हूँ, हम सीधा एक ट्रक ले लेते हैं, पता है 2500 का ट्रक है, उसके अंदर बहुत सामान आ जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 गाय 4 बकरे, लॉजिकली देखा जाए तो हमें ट्रक ले लेना चाहिए, क्योंकि ट्रक ही हमारे बहुत काम की चीज़ रही है यहाँ पे, और एक बेस्ट बाय हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि हम काफ़ी सामान इसके अंदर रख के ले आ सकते हैं। एक बार हमें ये देखना पड़ेगा, वैसे पिकअप भी अच्छा है, 3 सुअर 1 गाय, और 1 सुअर 1 गाय और 2 बकरे, और इसमें क्या था, 2 बकरे 2 सुअर, और ये हमारा तो सिर्फ इसमें ही आएगा, या तो 2 सुअर 2 बकरे, है ना। फिर से देखते हैं एक बार। यार मैं सोच रहा हूँ ना, बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं, 800 रुपये का हमारे पास ये, क्या करें यार गाइस, पिकअप ले लें या फिर हम वो ट्रक ले लें। पिकअप ले लेते हैं, कुछ तो ज़्यादा सामान आएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, पार्किंग लॉट के में रहते हैं, हम एक चीज़ सेल भी तो कर सकते हैं ना। अरे शायद ठीक है, इसको हम पहले ये निकाल के यहाँ पे इसको डालें इंसर्ट। गाइस देखो, इसके पीछे ना एक हिंच लगा हुआ है, हिंच का मतलब ये है कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें अटैच कर सकते हैं, बट वो अटैचमेंट के लिए हमारे पास कुछ सामान भी तो होना चाहिए। अब ये तो व्हीकल ऑप्शन ऑप्शन है, हमारे पास 800 में हमने ले तो लिया। अच्छा बात बताओ, हमें गैराज में जाके इसको सेल कर सकते हैं क्या। इस गाड़ी को तो हम पहले थोड़ा सा अपग्रेड मारेंगे, ओके फिर सेल का प्राइस बताना चाहिए ना, प्राइस नहीं बता रहा। इसमें हम गाड़ी का कलर करते हैं लाल, ग्रेट। और क्या चीज़ है इसके अंदर, थैंक यू फॉर योर परचेज परचेज हो गया, कहाँ हुआ भाई, लाल तो ही नहीं हमारी गाड़ी भाई, ये बेवकूफ़ सा बना दिया इन लोगों ने। अच्छा गाड़ी का कलर शायद इससे चेंज हो, सैचुरेशन ब्राइटनेस, नहीं यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसे कुछ चेंज कर नहीं सकते हम, शायद कर सकते अभी कुछ तो हुआ।
ओके आई गॉट इट। हमको ये करना था, लाल गाड़ी अच्छी लग रही है गाइस तुमको, या फिर कलर तो बहुत कुछ है, ऑरेंज करते हैं भगवा, या फिर लाइम, मुझे ना ये कलर भी अच्छा लगा, चल ब्लू करते हैं। वो है अब लग रही है ना गाड़ी। अच्छा मुझे एक चीज़ देखनी है, अब अगर हमने ये वाली कार ले ली, ये क्या चीज़ है, ये बैंक क्या कैसी है, इसमें क्या हमको वो मिलता है क्या, कुछ बैंक ई प्रेस लोन मिलता है क्या हमको, लेफ्ट टू रिपे क्या है लोन, ये ड्यूरेशन 30 86 डे टेक क्रेडिट, तो इतना सस्ता लोन दो रहे क्या, व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस। ऑलराइट हम एक बार ये वाली गाड़ी जाके देखते हैं, ये वाली गाड़ी अगर हमारी गई बिक तो एकदम सीन सेट हो जाएगा हमारा, 1 मिनट के लिए बस। शिट ब्रो, ए और लेकिन यार हमें प्राइस क्यों नहीं आ रहा, 4418 है हमारे पास। ओके 400 की बिकी गाड़ी है। और राइट गाइस $400 की हमने गाड़ी भी बेच दिया, तो हमारे पास आई होप सो काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके होंगे, और हमारे पास वापस से यार आप पता है हम अगर कायदे से हम देखें तो अब हम ट्रक भी खरीद सकते हैं, तो ट्रक से आधा इसको कहाँ लगाएंगे, इसकी लगाने की जगह कहाँ चली गई। हेलो अब अभी तो ऑप्शन आ रहा था ना इसमें, हमने गाड़ी खरीदी थी वो ऑप्शन कहाँ गया, इधर की इधर ऑप्शन था ना। छोड़ो अच्छा एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, एक और लास्ट चीज़। अच्छा ये एक और बंदा, यहाँ एक ये तो हमने ले लिया, अभी हमारे पास अभी भी है, देखो हमने 400 की गाड़ी ली है तो हम ले सकते हैं गाइस, अब चाहे तो हम ये 2500 का एक ट्रक ले सकते हैं, ट्रैक्टर हार्वेस्टर, ये ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर कितने का था ये, अगर हम ट्रैक्टर फसल के लिए ट्रैक्टर लेंगे ना, ये आएगा 1200 का प्लस उसका सामान, क्या करें यार, ट्रैक्टर ट्रैक्टर भी एक ले ही लेंगे तो ताकि खेती भी कर ही लेंगे। अरे तो अभी ट्रैक्टर नहीं लेते, इस बार हमको कुछ मेटल वेटल लेना है गाइस उसमें हमें, और मेटल का हमें छोटा मोटा लेना है, अच्छा खासा स्टॉक लेना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तो हमारा लग रहा था थोड़े टाइम में पहले, क्यों नहीं लग रहा है, इसकी किधर तो जगह थी ना, और ये जो एक्स्ट्रा जगह है कि इसका क्या करेंगे। छोड़ो यार मेरा बड़ा मन कर रहा है गाइस, लेकिन मुझे लग रहा है कमी ना हो जाए, मतलब मन तो मेरा बहुत जोर के कर रहा है कि मैं एक वो गाड़ी ले ही लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वेस्ट बर्गर हार्डवेयर स्टोर गैस स्टेशन हंटर रैंच हमको जाना है, पहले हमको हार्डवेयर स्टोर चलना पड़ेगा। सॉरी अरे 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 इजी, अरे एक मिनट को, गैस स्टेशन जो चलना था, अरे गैस स्टेशन चलता है, गैस स्टेशन या पास में यू टर्न लेंगे, वैसे तेल फुल है लेकिन तेल हम मशीन में डला लेंगे। मेरे काम पर हार्डवेयर स्टोर चलते हैं पहले, यार एक काम है रुको रुको मुझे एक आइडिया आ रहा है इसमें, हम हार्डवेयर स्टोर से ना एक चीज़ खरीद सकते हैं, बहुत सॉर्टेड चीज़ मिल गई मुझे भाई, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ क्या, हमारे पास एक टेंशन खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर हमें लॉजिकली अंडे का फार्म भी बनाना, अरे रे 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 इस गाड़ी के कंट्रोल तो कुछ भी हो रखे हुए, बार बार ना एक बहुत बड़ा हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा, एकदम खल्लास हो जाएगा, ये रहा हमारा हार्डवेयर स्टोर, दिस इज आवर स्टोर, और यहाँ पे कहाँ गया, चल ये रहा। ये गाड़ी साहब है ना, हम इसमें ना कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं हमें जो लेनी है, ये एक लेना है टेबल स्टॉ, हमें चीप टेबल स्टॉ हो गया, कॉन्क्रीट बैग हम ले लेते हैं 500 का ही ले लेंगे, एक ही ले लेते हैं ठीक है। ग्लास किस काम के आएंगे, ये तो अभी हमारे पास, मेटल प्लेट भी लेनी है तो 500 की भाई सीधी सीधी, चलो कोई नहीं एक ही ले लेते हैं, एक लग्जरी टेबल स्टॉ, जेरी कैन एक, हाँ ये चीज़ कह रहा था भाई मैं, कार ट्रेलर, इससे भाई सीधी सीधी चीज़ें आएंगी बड़ी बड़ी, अभी ये बहुत काम की चीज़ है भाई, स्मॉल से अच्छा ये लेते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आएगा, रुको एनिमल ट्रेलर भी है इसके अंदर, ये तो मतलब का नहीं है, अभी फ्यूल ट्रेलर भाई, फ्यूल ट्रेलर लेने की सोच रहा हूँ मैं, रुको पहले हमें एक और चीज़ देखने दो कि हमारे पास स्कोप है, बैरल है, स्मॉल वुड बकेट, स्टील बकेट, स्मॉल बकेट, कर हार्वेस्ट ट्रेलर, फर्टिलाइजर ट्रेलर, सीडर, यार देखो ये 400 400 200 200 ये सब कुछ चाहिए पड़ेगा भाई हमको, और ये ग्रेन हीडर, मतलब ये चीज़ें चाहिए पड़ेगा भाई, इसके लिए तो हमें दूसरी ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, ऑयल बैरल में भी तो हम ऑयल भर के ला सकते हैं गाइस, क्या बोलते हो, ऑयल बैरल में ऑयल भर के ले आते हैं ना, एक ऑयल ऑयल बैरल ले चलते हैं, या तो यही ले लें क्या, ये अगर ये ले लेंगे ना, इसके अंदर चीज़ क्या है, दिख क्यों नहीं रहा,
अच्छा ऐड हो गया, चलो छोड़ो ऐड हो गया, $32 के वोट पड़ेंगे। अच्छा हाँ एक ये भी चाहिए था, 3800, और एक ये तो अब नहीं ले पाएंगे, छोटा वाला ट्रेलर। वैसे ले तो सकते हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं यार अब नहीं ले पाएंगे ना, पांच चीज़ हमने क्या ले ली। देखो हमने कंक्रीट बैग ले लिया एक, मेटल प्लेट दो, फ्यूल ट्रेलर एक, लग्जरी टेबल्स। सो फ्यूल ट्रेलर सही है ना, ले लेते हैं यार, ठीक है सही है, चेकआउट। अब हमारे पास बचे भाई 1000, अब हमको फटाफट और ज़्यादा ग्राइंड करना है, जरा सोचने आएगा इसे एक बार में ले लेने का सामान, इतना सोच के किसी का भला नहीं हो। अरे सामान कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है ना, तो यहाँ से जाना कैसे। हेलो गेट किधर है इसका। सो हमने करी कुछ खूब ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉपिंग, अच्छा पीछे से खूब इंटरेस्टिंग शॉपिंग्स कर ली भाई हमने फुल पावर में। अभी हम जल्दी जल्दी इसको लगाते हैं, इसके अंदर भरते हैं फ्यूल। और यार हमने एक गलती कर दी, पता है क्या गाइस, ये हमने फ्यूल ट्रेलर तो ले लिया लेकिन इतना पैसे भी तो होने चाहिए ना फ्यूल भरने के, थोड़ी सी स्टूपिडिटी टाइप्स की चीज़ हो गई भाई। मैंने सोचा बार बार आना पड़ता है फ्यूल लेने के लिए, भाई हमारे $70-70 चले जाते हैं सीधे सीधे, तो उसके हिसाब से मैंने सोचा था कि आई होप इसमें लग जाए, वैसे लग तो जाएगा। एक ऑप्शन आएगा ना हिंच, अरे 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 चलो ये भी हो गया, ई टू ओपन। इसमें कितना भरेगा भाई, 1000, यानी कि $1000 का आएगा ना इसके अंदर, आई एम नॉट रॉन्ग इन केस। यार आधी जगह तो इसमें ऐसी चली जाएगी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो जाने वाले, कौन पूछ सकता है। इसको 2 मिनट बाहर निकालो, इसको 2 मिनट बाहर निकालो, मुझे लग रहा है इसको हमें, हाँ ये इसके ऊपर आएगा क्या ब्रो, तो ये रख देते हैं इसके अंदर ऐसे, 50 kg का ये रख, इसके ऊपर। अबे इसके ऊपर तो आता था ये, इसको क्या हो गया, हेलो है ना, तो साइड से भी आ जाएगा इसमें क्या है। व्हाट यार बड़ा टाइम लगता है इसको सेट करने में भाई, सही साइड आ रहा था, हमने छुल कर दी, ठीक है परफेक्ट। चेरी केन, चेरी केन की जगह आती थी यार, चेरी केन की जगह कहाँ चली गई, दिख ही नहीं रहे भाई। और क्या सामान लिया था हमने, ये सबसे सेक्सी चीज, व्हाट द फक गाइस, इसको क्या रखें यार, ये तो सबसे गंदा सीन होता है यार। आ गया थैंक गॉड, ये इसके ऊपर आएगा क्या, आ रहा है आ रहा है यार, फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। अब गाइस हमें थोड़ी सी गाड़ी में ना आराम बरतना पड़ेगा, अब कहाँ चलना है हमें, हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ, नहीं 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 टैंकर पलट जाएगा भाई, सीन सॉर्टेड है। अगर हमने ट्रेलर ले लिया ना गाइस एक बड़ा वाला भी, तो बहुत सामान आ जाएगा भाई ट्रेलर में, मुर्गी वर्गी तो बहुत आ जाएगी। एक मुर्गी से याद आया गाइस, मुर्गियाँ भी तो लेनी है, अभी रुको अब इसको बेचते हैं ना, अब इसमें बहुत मीट होगा। अब है गाइस मेन सीन, अब हमें ये देखना है कि हम क्या गैस स्टेशन से इस चीज़ के अंदर फ्यूल डाल सकते हैं क्या, अभी डाल सकते हैं भाई, तुम देखते जाओ भाई कितना फ्यूल आता है, $1000 का, हमसे 1000 लीटर है, $1000 ठीक है, $1000 का फ्यूल, एक बार फ्यूल भर लिया तो हमको ना बार बार नहीं आना पड़ेगा, हम अपने ना एक ट्रेलर के अंदर एक फ्यूल रख सकते हैं। और पानी का सीन सेट कर रहे हैं यार, पानी का भी सीन देखना है, पानी का सीन कैसे होता है वहाँ पे, क्योंकि इतना गाइस हम पैसा कमा लेंगे ग्राइंड करके कि भाई इतना सीन हम कर लेंगे, हम हंटिंग पे जाएंगे, अगर हमने 4 पेटी वाला 5000 ईजिली कमा लेंगे, तो हम ना एक ट्रेलर भी वो ले आएंगे, क्योंकि भाई हमें ना देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है जंगलों में अगर तुम्हें बिजनेस करना है, चाहे वो लकड़ी हो चाहे वो ये चीज़ें हो, तो हमारे पास सबसे पहले फ्यूल्स अच्छा खासा होना चाहिए। फ्यूल अच्छा होने के बाद तुम्हारा सीन वहाँ ये होना चाहिए कि भर रहे ना, फ्यूल अच्छा होने के बाद तुम्हारे पास सीन ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास ट्रेलर्स वगैरह हो, ताकि तुम सामान इजी लेके जंगल में, वापस अंदर जाना बाहर जाना उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है भाई, क्योंकि दूर दूर दुकान है, और एक बार अगर अच्छा खासा बिजनेस भी कर ले तो मुर्गियाँ भी बहुत सारी, मतलब बहुत सारा सामान वामान रख के ले आ सकते हो, ईजी ले आ सकते हो। तो पहले हम ये बेचते हैं, बेच के देखते हैं इसका पैसा कितना मिलता है, क्योंकि 1000 तो हमारे अब खत्म हो जाएंगे यहीं पे। चलिए यार ये बेच के रहन जाना पड़ेगा ना, अभी फिलहाल हमारे पास 9 ये है, नहीं यार काफ़ी पैसे आ जाएंगे ब्रो, 9 ये हैं, 4 चिकन है, 4 रूस्टर है, देखते हैं कितना पैसा कमा रहे हैं। अभी मुर्गे बेचेंगे, मुर्गे से पैसा आ जाएगा, ये वुड कटर हो जाएगा भाई, वुड बेचेंगे तो वुड का भी पता है बहुत पैसा मिलता है गाइस अगर हम, अरे हाँ अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ गई,
ये बॉर्डर फाड़ सकते हैं नहीं यार, हमें ना परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कुछ वुड कटर टाइप की चीज़ भी तो नहीं थी ना। जर्नल स्टोर मार्क कर देता हूँ मैं। अभी हम यहाँ खड़े हैं, हमको सीधा जा, अरे मैं सीधा ही जाना है भाई जर्नल स्टोर के लिए। सीधा जाके ऐसे घूमेंगे, यहीं पे जर्नल स्टोर आ जाएगा और फिर हमारा आगे ही रेंच है। सॉर्टेड है भाई सीन, सॉर्टेड है भाई सीन, सॉर्टेड हो गया है। मेरे को तो इट्स अ गुड गुड थिंग व्हाट वी डिड। अब पता है अपने पास कम से कम 1000 लीटर का ट्रेलर खड़ा रहेगा वहाँ पे। बट वो लग रहा होगा भाई वेस्ट ऑफ मनी हो कर रखा है हमने, बट हमने भाई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, हमने इतना ग्राइंड करा है भाई इस चीज़ के लिए। गया है जनरल स्टोर पीछे वाले रोड पर, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी यू नो नाइस इन्वेस्टमेंट व्हाट वी डिड। भाई बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा। एंड इवन आई थिंक जब हम वो ट्रेलर वगैरह ले लेंगे ना, तो ट्रेलर लेने के बाद हमारा सीन बहुत सॉर्टेड रहेगा। वो भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। मैं देखता हूँ पहले मुर्गियाँ बेच के मैं पैसा मिल कितना रहा है ये मीट बेच के, क्योंकि भाई इसमें अच्छा खासा पैसा है पता है। लास्ट टाइम हमने बेचा था सारा हिरण, हिरण का बेचा था, एक भालू का बेचा, तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल गए थे। एक काम और करते हैं गाइस, हम ना 2500 का ना लोन भी उठा लेते हैं ताकि एक बार में सब। एक काम करते हैं गाइस, सॉर्टेड है सीन, 2500 का लोन उठाते हैं। चलो मार्केट से 2500 का लोन उठाते हैं और हम पे कर देंगे, ईजी पे कर देंगे 2500 भी। 2500 का लोन उठा के हम वो वाली चीज़ भी ले लेते हैं जो हमें लेनी है। ये है ना जनरल स्टोर है ना। ओके हम पहले सेल करके देखते हैं कितना आइटम है बस सेल करने के लिए। ये रहा जीरो आइटम का नहीं है, मैं कहा था ना मैं रखना पड़ेगा भाई, तो मेरी बात सुनता कौन है भाई, इसको यहाँ रखना पड़ेगा। ओके गाइस देखना मैंने क्या क्या ले लिया, मैं तुम्हें तो दिखाता हूँ गाइस। सब टोटल आइटम हो गया ये सी, ठीक है ये हमने ले लिया। अब हमारे पास इतने पैसे बचे और हम फटाफट एक बैंक से लोन लेते हैं। गाइस मेरी बीवी के लिए मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ है। वैसे तो हमने एक नई गाड़ी खरीद ली है और हमने एक टैंकर खरीद लिया, इसमें फुल 1000 लीटर फ्यूल डाल दिया हमने, ताकि अब गाइस क्या है ना हमें बार बार एटलीस्ट फ्यूल पंप तक नहीं आना पड़ेगा। मैं बैंक से लोन लेके एक और चीज़ कर लेता हूँ, लोन तो रिपे कर देंगे, पहले गाड़ी हम खड़ी करके आते हैं फिर हम बैंक से लेंगे लोन, और लोन लेके इसके पीछे एक ट्रेलर लगा लेंगे ताकि हम एक बार में सामान भर भर के ले आए फुल पावर गाइस। और वैसे हम यहाँ से भी जा सकते हैं रेंज के, जा तो सकते हैं भाई। बे 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 बे। ये पेड़ हमने काटे थे ना, ईजी जा सकते हैं। पर ये सही है पता है, हम एक रास्ता यहाँ से बना देंगे अभी। अरे आप पहले एक बात बता, कुआ भी बना लिया मैंने, क्योंकि हमारी मुर्गियाँ सारी मर गई थी। इस फ्यूल को हम फिलहाल यहीं खड़ा कर देते हैं इस जगह पे आई गेस। अब इस मशीन को उठा के हम नई मशीन रख देते हैं इसकी जगह, अब एक नई मशीन लगाते हैं यहाँ पे ताकि हमारे पेड़ जल्दी जल्दी कटे। इसके आगे हम इस मशीन में करेंगे क्या ये मैं बताऊंगा तुम लोगों का इस कल की वीडियो में। आज हम लोगों ने काफ़ी काम कर लिया है गाइस, एकदम बिल्कुल मज़ा ही आ गया। आज तो हम लोगों ने फाइनली इतनी सारी गाड़ियां खरीद ली हैं, और वैसे सारी गाड़ियां खरीदी, एक हमने सिर्फ ऑयल टैंकर खरीदा है और हमने एक कार खरीदी है और काफ़ी ज़्यादा हमने सामान खरीदा है ताकि हम अपना कल रेंच को बहुत अच्छे से बना पाए और कंस्ट्रक्शन फुल भारी हो जाए। सो गाइस तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इसी तरीके से मचाते रहेंगे गाइस। मिलते हैं अब कल की वीडियो में, सीधा अलविदा।